आवाज का तो बात ऐसी है कि आज 70वें दिन नहीं बल्कि हमने 3 अप्रैल को भी तमाम जिला कलेक्टर्स के माध्यम से हमने ज्ञापन भिजवाए थे सरकार को। तो डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि वो वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं। जिलाधीश सारे ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है गवर्नमेंट की, तो डेफिनेटली उन्होंने अपना कर्तव्य वहन किया होगा और वो ज़रूर पहुँचा होगा। ये बात अलग है कि उधर से अभी तक इस मामले में संज्ञान नहीं लिया जा रहा सरकार की तरफ से। और उसी अगली कड़ी के अंदर आज का हमने आह्वान किया था, तो आज तमाम लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य जो भी स्थानीय सांसद हैं उनके माध्यम से भी हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हजारों की तादाद में पूर्व सैनिकों के संगठन हैं जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और कुछ एक सांसदों का कुछ व्यस्तता होने के कारण उन्होंने आज से पहले ही हमारे प्रतिनिधिमंडल विभिन्न सदस्यों को बुला करके ज्ञापन ले लिया है। और कुछ एक अभी ऐसे हैं जिन्होंने, किसी ने 8 तारीख का डेट दिया है, किसी ने 10 का दिया है, किसी ने 4 का दिया है, कुछ एक का कल का भी है। तो जो जो भी हमारे स्थानीय संगठन हैं वो उनके संपर्क में हैं और अपने अपने जगह पे उनको ज्ञापन दे रहे हैं। और डेफिनेटली मैं ये मान के चलता हूँ कि आज लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद में ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम हम 600 से ज़्यादा सांसदों को हमारा ज्ञापन पहुँचाएंगे। और अब मैं नहीं मानता या कोई भी नहीं मानेगा बुद्धिजीवी आदमी कि एक रिस्पारे इलाके की जितनी भी समस्या है उनको उन्होंने हल भी की है। तो मैं आशा भी करता हूँ मोदी जी से ताकि ये जो हमारी जो कमियां की है ये भी पूरा करेंगे। और मैं राजस्थान के अंदर से आया हूँ, हनुमानगढ़ जिले में, वहाँ बडोप्पड़ गांव की एक सेम है जो बहुत रकवा सेम में डूबा हुआ था। मेरा लेटर जाने के बाद में 3 दिन के अंदर मोदी जी ने अपना काम करके दिखा दिया। इसलिए मैंने जैसे नोटबंदी के काम में भी काफ़ी सुझाव भेजे हैं, सारे सुझाव मोदी जी ने माने मेरे। ये लेटर देखो, मेरे इसमें लेटर भी आए हैं, मैंने भेजे हैं, ईमेल भी किया है, मोदी जी का जवाब भी आया है मेरे पास में। ऐसे मैं डायरेक्ट मोदी जी को लेटर लिखता भी हूँ, लेकिन पेंशन के बारे में मैंने अभी लेटर नहीं लिखा है। मैं अब लिखना चाहता हूँ। आज मैं जंतर मंतर पर आया हूँ तो मैं अपनी आवाज़ मोदी तक पहुँचाने के लिए आप कोशिश करना। मैं आपका बहुत बहुत चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आशा है कि आप मेरे इस चैनल को, आपके चैनल के द्वारा मेरा जो है आवाज़ मोदी तक पहुँचाने की कर पकड़े। धन्यवाद। रैंक्स वाले जितने भी फौजी हैं और सरकार को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले चुनावों के अंदर फौज की जो टोटल नफरी है उसका 97% जवान और JCO है, 3% ऑफिसर है। सरकार क्या कर रही है, ऑफिसरों को बीच में मीडिएटर रख करके उन्हीं की बातें सुन रही है, वही हमारे को टेबल पर बैठ करके आज हमारे हर जगह रिप्रेजेंटेटिव हो गए। हर जगह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं रखा नहीं गया, क्योंकि जो आज़ादी जो एक्ट बनाए गए थे वो गुलामों के लिए बनाए गए थे, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ कहीं लागू ही नहीं किया जा रहा और ना ही एक्ट काम कर रहा है। तो अब ये सरकार को समझना पड़ेगा कि अगर उनको अगली बार जीतना है तो 97% जवान और JCO हैं, उनकी मांगों को सुनना ही पड़ेगा, सुनते ही नहीं है। तो ये मैसेज वहाँ तक जाना चाहिए और जो मीडिएटर है वो हटने चाहिए।